In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Brahma. दोस्तों मूवी ब्रह्मा जो रिलीज हुई थी 2 सितंबर 1994 को, ये एक बॉलीवुड एक्शन मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर हैं के सुभाष, इसके प्रोड्यूसर हैं एस रामानाथन। बात करते हैं कास्ट की, इसमें गोविंदा, मधु, आयशा जुल्का, प्रेम चोपड़ा और अरुणा ईरानी, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। अब जो बॉलीवुड फिल्म है ब्रह्मा, ये एक तमिल मूवी का रीमेक है जो आई थी 1991 में, और जो तमिल फिल्म है उसका नाम था ब्रह्मा, वो है ब्रह्मा और ये है ब्रह्मा, मतलब एच का फर्क है। अब वो जो तमिल फिल्म है ब्रह्मा, उसका 1992 में एक कन्नड़ रीमेक भी बनाया गया था जिसका नाम था रावी वर्मा। चलिए बात करते हैं फिल्म के कलेक्शंस की। उससे पहले अगर मैं आप लोगों को स्टोरी की बात करूं, तो फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को फिल्म की स्टोरी जाननी है इन शॉर्ट बेसिक स्टोरी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन पहले बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का लाइफटाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 2,11,00,000 का, 2,11,00,000 रुपीस का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 3,74,00,000 का, 3,74,00,000 रुपीस का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 4,04,00,000 रुपीस की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 3,78,00,000 रुपीस का। इसका बजट था 1,45,00,000 का। अब 1,45,00,000 के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 2,11,00,000 रुपए का। उस हिसाब से अगर हम वर्ड हिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता रही कि ब्रह्मा बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्ड हिट है वो है अबव एवरेज की। अगर बात की जाए गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे और गानों को कंपोज किया था बप्पी लहरी जी ने। चलिए बात करते हैं बेसिक स्टोरी की। अब फिल्म की स्टोरी में क्या होता है, जो गोविंदा होते हैं उनका जो काम होता है वो होता है पेंटिंग बनाने का। अब गोविंदा के अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है, मूवी की स्टोरी की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को देख के उनकी पेंटिंग बनाते हैं, और ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि जब बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, यानी कि बच्चे की फ्यूचर की पेंटिंग बनाते हैं बच्चा बड़े होने के बाद कैसा दिखेगा। अब ऐसे में क्या होता है, एक आदमी गोविंदा के पास आता है एक छोटी बच्ची की फोटो लेके, और गोविंदा को कहते हैं कि तुम इस बच्ची की फोटो बनाओ कि ये बड़ी होके कैसे दिखेगी। अब जो वो आदमी होता है गोविंदा, उसका उस आदमी का बिना मकसद जाने वो बच्ची की पेंटिंग बनाने को तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, इस दौरान गोविंदा को पता चलता है कि उस आदमी का मकसद क्या है, यानी कि वो जो आदमी है उसका मकसद जो है, उसका जो इरादा है वो अच्छा नहीं है। गोविंदा को पता चलता है कि वो जो आदमी है उस आदमी ने गोविंदा को जिस बच्ची की फोटो दी है, बल्कि उस आदमी का मकसद ये है कि वो उस बच्ची को मारना चाहता है, और वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। उस आदमी को नहीं पता कि बच्ची जो है वो बड़ी होकर कैसे दिखती है, तो उसका यही मकसद है कि बच्ची जो है वो कैसे दिखती है पता चल जाए और वो उसको ढूंढ के उसको मार सके। अब गोविंदा को उस आदमी का मकसद पता चल जाता है। अब ऐसे में गोविंदा क्या करता है, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा, क्या गोविंदा उस लड़की को जो उस लड़की की असली फोटो बनाता है या नहीं बनाता। अगर बनाता भी है तो क्या उस बच्ची को, उस जो लड़की है उसको बचा पाता है या नहीं जो बड़ी हो चुकी है, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।